नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी सुनीता मिश्रा और लेकर आई हूं आपके लिए एक नई क्रॉस ड्रेसिंग कहानी महाशिवरात्रि। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं नई क्रॉस ड्रेसिंग कहानी महाशिवरात्रि। पूजा की अभी जल्दी ही मंगनी हुई थी। उसका होने वाला पति सुशील एक गोरा रंग का खूबसूरत नौजवान था। वह बीटेक कर रहा था। दोनों फोन पर अक्सर बातें किया करते थे पर कभी वास्तव में मिले नहीं थे। शिवरात्रि को वैसे भी कुंवारी लड़कियां अपने पति की लंबी उम्र और अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं, सो पूजा ने भी किया था। पर वो चाहती थी कि सुशील उससे एक बार जरूर मिले। उसने सुशील से कई बार कहा पर सुशील ने कहा ऐसा संभव नहीं है। इस पर पूजा ने कहा कि यदि वो महाशिवरात्रि के दिन उससे नहीं मिलेगा तो वह खाना पीना सब छोड़ देगी। अब सुशील बुरी तरह फंस गया था क्योंकि वो भी पूजा को बहुत प्यार करता था, क्योंकि पूजा तो उसकी होने वाली बीवी थी। पर वो मजबूर था, जा नहीं सकता था क्योंकि माँ बाप की इज्जत का ख्याल था। उसके परिवार वाले बहुत ही ऐसे नेचर के थे कि वो नहीं चाहती थी कि शादी के पहले लड़का जाकर लड़की से मिले, इसलिए सुशील जाकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। सुशील के कॉलेज की एक फ्रेंड थी मीनू। उसने जब सुशील को टेंशन में देखा तो कहा, हाय सुशील, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, बताओ ना, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का तो सलूशन निकाल ही सकती हूँ। तब सुशील ने मीनू को अपनी सारी मजबूरी बताई कि पूजा उससे मिलने को कह रही है पर वो घर वालों के कारण वहाँ जा नहीं सकता मिलने पूजा से। इस पर मीनू ने कहा, शिवरात्रि को मिलना है ना, तो मेरे पास एक धांसु प्लान है। फिर क्या था, मीनू सुशील को पूजा से मिलने का प्लान समझाने लगी। प्लान जानकर सुशील की आंखें चमक उठी। उसने पूजा को फ़ोन कर दिया, ठीक है मैं सुबह 10:30 बजे तुमसे महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में मिलूँगा, और हाँ किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। पूजा ने कहा ठीक है। फिर क्या था, अगले दिन पूजा सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर तैयार हो गई, अच्छी सी ड्रेस पहनी और पूजा के सारे सामान लेकर शिव मंदिर में पहुंच गई। पूजा मंदिर पहुंच गई, पूजा की सारी तैयारी करके गई थी, सो उसने सबसे पहले मंदिर में पूजा की, फिर बाहर निकलकर सुशील का इंतज़ार करने लगी। मंदिर में बहुत भीड़ थी, गेट पर ही पुलिस लगी थी। किसी भी तरीके से किसी लड़के या आदमी का मंदिर में प्रवेश करना संभव नहीं था। पूजा को चिंता हो रही थी कि सुशील उससे मिलेगा कहाँ, क्योंकि सुशील ने तो कहा था कि जहाँ पूजा हो रही है वहीं वह मिलेगा, पर ऐसा तो संभव होता नहीं लग रहा था। उसने सुशील को फ़ोन ट्राई किया पर सुशील का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। वह निराश होकर मंदिर में एक जगह चबूतरे पर बैठ गई। तभी अचानक पूजा को ऐसा लगा कि जैसे उसके पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। पूजा ने अपना सिर ऊपर उठाया तो देखा एक खूबसूरत औरत जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होगी, लाल रंग की साड़ी, हरे रंग का ब्लाउज, मांग में सिंदूर, नाक में नथनी, चैन वाली जिसका हुक पीछे लगा हुआ था, गले में सोने का हार, कानों में बड़ी बड़ी झुमकी, माथे पर बड़ी सी बिंदिया, पैरों में पायल और महावर लगी हुई थी, कमर में बाजू बंद पहन रखा था। इस तरीके से पूरी सची धजी एक खूबसूरत औरत जिसने बालों में एक खूबसूरत जूड़ा बनाकर उसमें गजरा लगाया हुआ था पूजा के सामने खड़ी थी। उसने पूछा, क्या बात है पूजा, बहुत निराश लग रही हो, क्यों परेशान हो बहन, बताओ ना। उसके साथ में एक और लड़की थी जिसने हरे रंग का सलवार सूट पहन रखा था। पूजा को कुछ समझ नहीं आया ये कौन है। उसने कहा, मुझे रहने दीजिए, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, आप अपना काम करिए, मुझसे हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर लाल साड़ी वाली औरत ने कहा,
तुम मुझे बताओ तो क्या समस्या है तुम्हारी। मैं सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हूँ। इस पर पूजा ने कहा, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने, जिससे मेरी शादी होने वाली है और मंगनी हो चुकी है, मुझसे मिलने के लिए कहा था, पर मंदिर में इतना सख्त पहरा है कि कोई भी लड़का अंदर आ ही नहीं सकता। इस पर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। बात कहते कहते उसने कहा कि मुझे लगता है कि आज मैं अपने होने वाले पति से मिल नहीं पाऊंगी। इस पर लाल साड़ी वाली औरत ने कहा, अगर तुमने सच्चे मन से भगवान की पूजा की है तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड और होने वाला पति तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगा। पर यहाँ भीड़ में वो तुमसे मिलने थोड़ी ना आएगा। चलो वहाँ किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर अकेले बैठते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें वहाँ पर देख लेगा और तुमसे मिलने के लिए आ जाएगा। ना चाहते हुए भी पूजा उस लाल साड़ी वाली औरत के साथ उठकर बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। लाल साड़ी वाली औरत, हरे सलवार सूट वाली लड़की और पूजा तीनों ही उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी, पर सुशील का कहीं अता पता नहीं था। अचानक एक हरकत लाल साड़ी वाली औरत ने की। उसने पूजा का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके बाद उसके गालों पर किस कर लिया। पूजा गुस्से में आ गई। ये सब क्या कर रही हो, मुझे ये सब पसंद नहीं है, कौन हो तुम? इस पर लाल साड़ी वाली औरत ने कहा, अरे मेरी डार्लिंग पूजा, मुझे तो तुम पहचान ही नहीं पाई। जरा ध्यान से देखो, मैं हूँ तुम्हारा होने वाला पति सुशील, जो कि तुमसे मिलने के लिए सुशीला बन के आया हूँ। देखो ना मेरा रूप श्रृंगार, कैसा मेकअप की हूँ। तुम्हारे मिलने के लिए पूरी तरह औरत बन के आई हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में लड़कों का अंदर प्रवेश करना मुश्किल होगा। पर मैं तुम्हें वचन दे चुकी थी, इसलिए मीनू, जो कि तुम्हारे बगल में बैठी है, उसने मेरी बहुत हेल्प की है। इसी की हेल्प से मैं आज एक औरत बनकर तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, मेरी डार्लिंग। पूजा ने ध्यान से सुशीला की ओर देखा। वास्तव में वो सुशील ही था, जिसने इतना अच्छा मेकअप और औरत की साड़ी ब्लाउज पहनी हुई थी कि वो बिल्कुल भी पहचान ना सकी। इस पर मीनू ने कहा, जब तुम मेरी होने वाली भाभी बन गई हो, यानी कि सुशील मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसे मैं भाई की तरह मानती हूँ, तो मैं तुमसे मिलने के लिए सुशील को लेकर क्यों नहीं आती? इस तरीके से पूजा और सुशील दोनों महाशिवरात्रि के दिन आपस में एक दूसरे से मिल सकें। फिर क्या था, कुछ देर के लिए वहाँ से मीनू दूर चली गई। सुशील और पूजा दोनों आपस में काफ़ी देर तक बात करते रहे। दोनों को औरत के रूप में देखकर किसी को कोई शक भी नहीं हो रहा था। लगभग 2 घंटे तक दोनों आपस में प्यार भरी बातें करते रहे। उसके बाद मंदिर की भीड़ छटने लगी थी, लोग जाने लगे थे। अचानक दो लोग आए और कहा, मैडम जी, अब मंदिर बंद होने वाला है। आप लोग यदि पूजा कर चुकी हों तो कृपया घरों की ओर प्रस्थान करें। इस पर पूजा ने कहा, हाँ सुशील, चलो चलते हैं। और फिर सुशील और पूजा दोनों मंदिर से बाहर निकले। पूजा अपने घर चली गई और सुशील मीनू के साथ मीनू के कमरे पर चला गया। इस तरीके से मीनू की मदद से सुशील क्रॉसड्रेसिंग करके एक औरत के रूप में अपनी होने वाली पत्नी यानी पूजा से मिल सका। पूजा का भी महाशिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया, वह सुशील से मिल गई। दोस्तों, इसी के साथ इस क्रॉसड्रेसिंग कहानी को मैं
यहीं समाप्त करती हूँ। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।